देहात के माती मुख्यालय स्थित सपा के जिला कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 22वां जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव, एमएससी कल्लू यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने केक काटकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। मुलायम सिंह के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान सपाइयों को न तो कोरोना का भय दिखा और न ही किसी की परवाह। न तो सपाइयों ने मास्क लगाना मुनासिब समझा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग को निभाने की कोशिश की। एमएलसी दिलीप सिंह यादव कल्लू और जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव से लेकर सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बिना मास्क के मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने तस्वीरों को झूठा बता कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। वहीं जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन भी नहीं पता कि कौन से साल का जन्मदिन है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। जिला अध्यक्ष ने 22वें जन्मदिन की जगह पर 22वां जन्मदिन होने की बात बार बार कही। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। संरक्षक पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में हम पार्टी का जन्मदिन के सारे कार्यकर्ता नेता किस तरीके से मनाया गया जन्मदिन कौन सा नहीं इनका 22वां जन्मदिन था 82 और ईश्वर से हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय संरक्षक जी का हमें आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहे और उनके मार्गदर्शन। क्या क्या किया कार्यक्रम के सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर माननीय जन्मदिन मनाई, उनकी दीर्घायु की कामना की और साथ ही साथ सम्मानित लोगों को साल भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया और साइकिल भी वितरित की गई उनके नाम पर, उनके जन्मदिन साइकिल भी दी गई सभी कार्यकर्ताओं को। जाओ और जिले में साइकिल ये चलाओ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज को आखिरी छोर तक। कोरोना के बीच में उनका 22वां जन्मदिन मनाया गया, आप क्या संदेश देंगे पब्लिक को? 22वां ये कोरोना को मानक देखते हुए हम लोग उसका पालन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को किया है और मैं चाहता भी हूँ कि इस बीमारी से बचाव भी रहे ताकि कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, कोई मेरा भाई हो, इसका पीड़ित न हो और साथ साथ अपना काम भी करते। संदेश क्या देंगे? संदेश चाहता हूँ कि ये कोरोना की बीमारी से बचना भी है, अपना संदेश भी चार लोग तीन लोग मिलकर इस संदेश, जैसे एक साइकिल हमारी एक एक साइकिल लेकर लग रही थी निकलेंगे चार चार, संदेश भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेकर जाएंगे और उन्हें सब जगह पहुंचाएंगे।